हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में बात हो गई साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाला दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मुकाबला। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर आप लोग भी फैंटेजी में इन्वेस्टमेंट करते हो या दोस्तों या फिर पैसा कमाना चाहते हो फैंटेजी, तो गाइस 2 करोड़ की टीम आपको कैसे बनानी है, यानी ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, कैसी पिच रिपोर्ट है, कैसा पिच का बिहेवियर है, कौन कौन से वो बॉलर्स हैं जो गुच्छों में विकेट निकालेंगे, यानी कि दोस्तों चार चार पाँच पाँच विकेट कौन से ऐसे बॉलर हैं जो निकाल सकते हैं। जैसे ही कल दोस्तों हमारे पास नूर अहमद था, नूर अहमद ने कल दोस्तों ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन रहा कल वो। तो गाइज ऐसा है कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, जिनको गाइज आपको अपनी टीम में ग्रैंड लीग की टीम में 100% रखना है। ठीक है, कैसा दोस्तों पिच का बिहेवियर है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और दोस्तों कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। दोस्तों आपको सब कुछ बारीकी से A to Z में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और दोस्तों भाई लोग, यार तुम्हारा ही चैनल है, आप लोगों का ही सबका चैनल है, तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि दोस्तों हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएँ, इससे और कुछ नहीं होगा। बेल आइकन से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि हाँ भाई सचिन जोशी, सचिन भैया की वीडियो डाल चुकी है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर ही गाइज जो है हमारे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं। साइड में आप देख सकते हो, दिखा देता हूँ आपको मैं। तो गाइस जैसे कि हमारी फ्री की प्राइम टीम हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये फ्री की प्राइम टीम है गाइस हमारी, और बिल्कुल दोस्तों 10 में से 8 मैच तो आप 100% जीतोगे, 95% मैच जिताने की गारंटी है। स्मॉल लीग में 3 से 4 मेंबर के कॉन्ट्रैक्ट, ग्रैंड लीग की 15-15 20-20 टीमें मिलेंगी आपको, चिंता मत करो। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी बिनिंग करना और दोस्तों डेली बेसिस पर पैसा कमाना फैंटेसी से, तो गाइज मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिए ड्रीम इलेवन पर भी, और गाइज इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है। तो आप गाइज यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि A to Z में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले हम देखेंगे कि मैच नंबर 23 है ODI वर्ल्ड कप 2023 का, और दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट टेबल पर थोड़ी सी नज़र डालें। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ, देखो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो गाइज देखो साउथ अफ्रीका ने अपने 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, तो तीसरे नंबर पर है भाई साउथ अफ्रीका, बहुत स्ट्रांग है, आपको भी पता है कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, और दोस्तों बांग्लादेश ने 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबला जीता है और ये 6वें नंबर पर है। सो गाइज अगर पाकिस्तान से इसको आगे निकलना है तो लगभग दोस्तों अब इसको अपने सारे मैच जीतना है। लेकिन गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश की इज्जत का सवाल भी है यार, साकिब अल हसन दोस्तों इतने बड़े बड़े प्लेयर है यार, है ना, तो गाइस इनकी थोड़ी सी इज्जत का भी सवाल है, तो वो बांग्लादेश उस हिसाब से खेलेगी। और यहाँ की जो पिच है गाइस, देखो पिच के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से तो दोनों ही टीमों के लिए अपने अपने नज़रिए से गाइस ये इम्पोर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि एक टीम को जाना है टॉप 2 में और दूसरी टीम को दोस्तों बचाना है अपनी इज्जत। गाइस तो मुझे लगता है जिसकी इज्जत बचानी है दोस्तों वो अपना पूरा 100% लगा के अपनी इज्जत को बचाएगा, और दोस्तों अब मुझे लगता है कि कल बांग्लादेश टीम जीतेगी और साउथ अफ्रीका हार जाएगी। बट गाइस मैच यानी प्रेडिक्टेबल, कोई भी इसमें कुछ नहीं कह सकता, आप लोग मुझे भी पता नहीं विराट कोहली कितने रन मारेगा। लेकिन गाइस देखो हम लोग क्या करते हैं, वेन्यू के अकॉर्डिंग दोस्तों, रिसेंटली फॉर्म के अकॉर्डिंग गाइस हम पता करते हैं कि कौन सा प्लेयर इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं गाइस जो आज इस ट्रैक पर आपको गुच्छों में विकेट यानी कि 4-4 5-5 विकेट निकाल के दे सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ आपका जो है A to Z में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप मत करना। जिस जिस प्लेयर का मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वही वही प्लेयर आप देखना दोस्तों यहाँ पे रन मारेगा। ठीक है, सो गाइस पिच रिपोर्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट पर ले चलूँगा, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपनी ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीम बनाना है। ठीक है, तो भाई वानखेड़े स्टेडियम है, आपको पता है भाई मुंबई का होम ग्राउंड है, वैसे मुंबई का तो कुछ लेना देना है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, बताओ क्या दोस्तों, कसीवराबादा। ठीक है, कसीवराबादा का IPL में खेल चुका है मुंबई इंडियंस की तरफ से। ठीक है, और दोस्तों साकिब अल हसन को भी बढ़िया जो है यहाँ का वानखेड़े, क्योंकि IPL वो भी खेलता है, तो गाइस बढ़िया है इन लोगों को आइडिया, डेविड मिलर हो गया, तो दोस्तों मज़ा आने वाला है कल के मैच में, क्योंकि वानखेड़े पर गाइस बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहता है, वहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिलती है, शुरुआत में रन बनेंगे, मिडिल ऑर्डर में विकेट गिरेंगे, थर्ड ओवर में विकेट गिरेंगे। तो भाई बिल्कुल A to Z सब कुछ आपको देखो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, टॉप के जो है देखो फर्स्ट इनिंग का एवरेज जो है टोटल स्कोर 233 का यहाँ पे एवरेज स्कोर है भाई, मतलब
236 का एवरेज स्कोर है। और गाइस जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो सबसे पहले दोस्तों बॉलिंग चूज़ करती है, क्योंकि चेस करना यहाँ पे थोड़ा आसान है। थोड़ा जो सेकंड रैंक में थोड़ा ड्यू फैक्टर आ जाता है, और दोस्तों ड्यू फैक्टर आने की वजह से बहुत ज़्यादा स्किट नहीं करती है गाइस, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, सीधी बल्ले पर आती है। तो जो भी टीम दोस्तों टॉस जीतेगी, समुद्र के किनारे में ही एक ग्राउंड में भी मैं देखने गया था लास्ट टाइम IPL, तो समुद्र किनारे बिल्कुल मरीन मरीन ड्राइव भी उनको पास में ही है, जस्ट रोड आप पार करोगे वानखेड़े में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो कोई भी टीम अगर पहले टॉस जीतती है तो दोस्तों बॉलिंग ही चूज़ करेगी, आप देख लेना। और मे बी दोस्तों 80% चांसेस ऐसे रहेंगे कि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वही टीम यहाँ पे विन भी करेगी, और दोस्तों टॉप परफॉर्मर जो है बेस्ट मैन उसी टीम से निकल के आएंगे। तो गाइज अभी आपको हम बताएंगे कैसे आपको अपनी ड्रीम इलेवन की टीम बनानी। तो लो भाइयों, तो आ गए हम अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वाली, क्योंकि आपके भाई ने दोस्तों पूरा पैटर्न बदल दिया है, सब कुछ आपको बिल्कुल यूनिक टाइप से मिलेगा। देखो पिछले बोर्ड पर हमने बात कर ली है, टॉस पे हमने दोस्तों बात कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों प्लेयर वाइज एनालिसिस देखेंगे थोड़ा सा, और फिर आपको कैसे टीमें बनानी है वो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जो गाइस 18 मिनट बाद 18 घंटे बाद दोस्तों मैच है, और 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा ये हमारे समय के अनुसार। और भाई अगर आपको भी 1.5 करोड़ उठाना है अगर इस मैच में, बोरी भर भर के दोस्तों पैसे कमाना है, तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्विंटन डी कुक की। तो गाइस क्विंटन डी कुक के अगर बारे में दोस्तों मैं बात करूँ, तो क्विंटन डी कुक दोस्तों अपने लास्ट के अगर 2 मैच छोड़ दूँ, तो शुरुआत के 2 मैच में गाइस शतक आए थे, ठीक है। शुरुआत के 2 मैच में शतक आए थे दोस्तों, कमजोर टीमों के खिलाफ आए थे, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका कमज़ोर नहीं है, एक कमज़ोर थोड़ी सी, लेकिन बॉलिंग लाइन बढ़िया था। उसके बाद दोस्तों जो दो टीमों के दो टीमों के खिलाफ फ्लॉप हुआ है, तो वो है दोस्तों नीदरलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। तो इन दो टीमों के दोस्तों खिलाफ में जो है फ्लॉप हुआ है बंदा। लेकिन गाइज मैं बता रहा हूँ, कल जो है बांग्लादेश है और श्रीलंका, बांग्लादेश में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मुझे लगता है गाइज कि कल के मैच में फिर से एक शतक देखने को मिल सकता है डी कुक की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा गाइज हेनरिक क्लासन बैटिंग उसके लिए मिलेगी नहीं, अगर पहले जो है अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग कर ली तो हेनरिक क्लासन को मुझे नहीं लगता बैटिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्टैट्स देख लो, बढ़िया है बंदा। देखो लास्ट मैच में बैटिंग मिली थी, 147 पॉइंट दिए, और उसके अलावा दोस्तों तीन मैचेस में कुछ खास नहीं किया, ठीक है। मुस्तफिजुर रहीम लिटन दास, दोस्तों मुस्तफिजुर रहीम की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो मुस्तफिजुर रहीम दोस्तों मिडल ऑर्डर में खेलता है, लेकिन गाइस मैं बता देता हूँ आपको, साउथ अफ्रीका ने अगर पहले बॉलिंग की, जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, तो ये नहीं टिक पाएगा। अगर साउथ अफ्रीका अगर चेस करेंगे तो इसकी बैटिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर चेस करेंगे तो 4-5 नंबर तक दोस्तों जीत जाएंगे लोग। मेहंदी मिशन हराज, लिटन दास, साकिब अल हसन, टी हसन, इससे आगे दोस्तों बैटिंग ही नहीं जाएगी, ठीक है, अगर दोस्तों पहले बॉलिंग करी तो। और लिटन दास को तो आपको लेना ही लेना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। उसके बाद दोस्तों आरवांडोसन टेम्बा बुआमा भी है नहीं, ठीक है। आरवांडोसन की दोस्तों बात करूँ, स्मॉल लीग में आपको 100% रखना है, बहुत कंसिस्टेंसी प्लेयर है, सबके पास मिलेगा आपको। देखो 84% लोगों ने लिया। महमूदुल्ला पार्ट टाइम दोस्तों गेंदबाजी करेंगे, और आपको जो है बैटिंग करते हुए देख सकते हैं, 5 ऐसे नंबर पर हिटिंग भी करते हैं लास्ट के पावर प्ले में। तो गाइस इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्रैंड लीग के, स्मॉल लीग में इसको नहीं ले छेड़ना है, ग्रैंड लीग के हिसाब से आपका जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ही हो सकता है, ठीक है। और बात दोस्तों डेविड मिलर नाजा संटो, तो संटो की अगर मैं बात करूँ तो संटो को बहुत ही कम लोगों ने लिया है संटो को बहुत ही कम लोगों ने लिया है आप यहाँ पे देखो, क्योंकि इसने परफॉर्मेंस नहीं किया। फर्स्ट मैच में 72 पॉइंट दिए थे, उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं किया, आप देख सकते हो साइड को। तो गाइस बहुत कम लोगों ने लिया है, इसलिए हम इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में हम इसको फिलहाल के लिए ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और दोस्तों टी हसन है गाइस, ये भी आपको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना है, इसको स्मॉल लीग में ही ट्राई करना है। रेजा हैंड्रिक स्मॉल लीग का प्लेयर, टी हॉर्डी ग्रैंड लीग का प्लेयर, ठीक है। साकिब अल हसन दोस्तों खेलेंगे नहीं कल। एडन मार्करम, मार्को जैनसन, मेहंदी हसन, मिराज, ये तीनों दोस्तों स्टार ऑलराउंडर हैं, इनको आपको लेने लेना है, ठीक है। ये चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो, इनको दोस्तों आपको 101% पिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बॉलिंग सेक्शन में आ जाता हूँ। दोस्तों कसी गुराबादा, मुस्तफिजुर रहमान, दोस्तों कसी गुराबादा को तो आपको रखना ही रखना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों आपको कल जो है तुरप का एक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी देखो फिलहाल 18% सिलेक्शन है इसका, और बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पेसर्स को मदद मिलेगी भाई, वानखेड़े है, तो यहाँ पे इनको ले लेना आप ग्रैंड लीग की टीम में। तबरेज़ शामसी और तकसीन अहमद कल ये दोनों देख सकते हैं, तो इनको भी हम पिक कर लेंगे ग्रैंड लीग की टीम में। लुंगिनी गिडी, सफरुल इस्लाम, केशव महराज और हसन महमूद, दोस्तों ये चारों की जो है स्मॉल लीग में जगह बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ग्रैंड लीग में मैं आपको अभी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा,
तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको आपको कैसे इनका इस्तेमाल करना है ग्रैंड लीग की टीम के लिए। उसके बाद जे कॉर्डी को दोस्तों आपको रखना ही है, और एन अहमद ये आपको दोस्तों जो है 100% दोस्तों परफॉर्मेंस करके देंगे प्लेयर्स। अभी आपको मैं टीम भी बनाकर बताऊंगा, ऐसी टीम बना के बताऊंगा गाइस जो 100% परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है। तो गाइस आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम कैसे बनेगी। स्मॉल लीग की टीम में कॉन्टेंटी कुक को रखूंगा मैं यहाँ से, और दोस्तों यहाँ से मैं रखूँगा लिटन दास को। उसके बाद बैट्समैन सेक्शन से दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स, नेथन सांटो और आर वन डिविशन को दोस्तों मैं यहाँ से रख लूँगा। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारी टीम यहाँ पे दिखने लगेगी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से रखूँगा एडन माकरम को, साकिब अल हसन को और मेहदी मिशन हराज को। अगर मेहदी मिशन मिराज खेलता है तो इसको मैं रखूँगा अपनी टीम में। साकिब अल हसन नहीं खेलेगा अगर, तो यहाँ से मैं मार्को जेंसन को पिक कर लूँगा या फिर मेहदी हसन को यहाँ से मैं पिक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है उनके दो बॉलर लूँगा। मान लीजिए सपोज कि अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग करती है तो साउथ अफ्रीका के दो बंदे मैं इस तरीके से पिक करूँगा, और एक जो है बंदा मैं बांग्लादेश का पिक कर लूँगा फास्ट बॉलर, ठीक है। इस प्रकार से मैं ले लूँगा अपनी टीम को। और अगर दोस्तों इसी में दोस्तों सेम टू सेम अगर जो है बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है, तो ऐसे मैं बांग्लादेश का एक जो है यहाँ से लुम्बिनी को ड्रॉप करके मैं मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों ये पिक कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसी टीम बन जाएगी मेरी, ठीक है, स्मॉल लीग के लिए। आप गाइस ग्रैंड लीग का आप देख लो, ग्रैंड लीग में सिंपल देखो कैप्टन बैच अपने आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सेंटो दोस्तों बहुत बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन बैच कल के लिए, क्योंकि फ्लैट ट्रैक रहेगा, रन भी बनेंगे और विकेट भी गिरेंगे। तो सेंटो दोस्तों ऐसे ट्रैक पर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद गाइज क्वेंटन कुक, मेहदी हसन मिराज और दोस्तों कसी को रवाला, यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन मैंने दिए हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों, जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं कल के मैच के लिए। उसके बाद दोस्तों उसके बाद भाई हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जब ग्रैंड लीग की टीम बनानी है तो हम यहाँ से दोनों को ड्रॉप करेंगे दोस्तों। हम लेंगे क्लास में, और यहाँ से दोस्तों मैं लूँगा सिर्फ सेंटो को, और दोस्तों रोशन को मैं ड्रॉप कर लूँगा। यहाँ से दोस्तों मार्को जेंसन को मैं पिक करूँगा, और दोस्तों यहाँ से मैं दो बॉलर और बढ़ाऊँगा शकुर इस्लाम और लुंगिनी गिडी को मैं यहाँ से और पिक करूँगा। सो भाई इस प्रकार से देखो आप हमारी एक अभी एक बंदा हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से दोस्तों केशव महाराथ को मैं पिक करूँगा। तो भाई देखो यार हमारी एक ऐसी टीम बन जाएगी ग्रैंड लीग के लिए। बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक है, पेसर्स को मदद मिलेगी। तो देखो यहाँ पेसर्स ही पेसर देखेंगे, केशव महाराथ और मेहदी हसन को छोड़ दें अगर हम, तो पेसर्स ही पेसर देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों इनको देखो आप, ये यहाँ पे देखो ये ओपनिंग बैट्समैन मतलब वन डाउन, ठीक है। उसके बाद इनके मैंने दोस्तों साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ड्रॉप किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शोफिल इस्लाम, तकसीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान है। 100% दोस्तों विकेट गिरा देंगे, क्विंटन डिक को आउट कर देंगे, आर वन डेविसन को भी आउट कर देंगे। तो क्योंकि मुंबई का ट्रैक है, वानखेड़े का ट्रैक है, कोई अदर दोस्तों अदर कोई ट्रैक होता तो मैं आपको प्रेफर करता कि आप दोस्तों उनके साथ जरूर जाएं ग्रैंड लीग में। सो गाइस देखो आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपको यहाँ पे तकसीन अहमद, शोभिर इस्लाम, मार्को जेंसन, हेनरिक क्लासन, मैंने चार ऑप्शन दोस्तों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के बताया। दोस्तों देखो यार ये तो मेरी एक टीम है, मैं आपको 15 से 20 टीमें दे सकता हूँ। अगर आपको 15 से 20 टीमें बनी हुई कंप्लीट चाहिए ग्रैंड लीग के लिए, तो मेरा मोबाइल नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। और दोस्तों उसके अलावा अगर आप लोगों को बढ़िया टीम अपनी खुद की बनाना आता है तो अच्छी बात है यार गाइज, अगर नहीं आता है तो आपका भाई बैठा है, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, फटाफट से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों। मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप वहाँ पे, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आप दोस्तों मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सभी जगह जो है मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको तुरंत तत्काल प्रभाव पर दोस्तों आपकी जो भी क्योरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, और गाइज तुरंत तत्काल प्रभाव पर आपको मैसेज का आपकी रिप्लाई किया जाएगा। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ गाइज, लव यू।